सो इस इंडियन मार्केट में ना आजकल ऐसी ऐसी कंपनीज आ रही है, मतलब भाई जिनका नाम हमने कभी सुना भी नहीं था। लाइक जोंटेस होगी, मोटो मोरिनी होगी, ठीक है, जैसे मोटो वर्ल्ड का जो पूरा लाइक हब है इनका बनेली की तरफ से, तो वो भाई हमने आज तक सुना ही नहीं थी कि यार क्या सीन है क्या नहीं है। बनेली सुना था, ठीक है, उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन बनेली ने एकदम से इतने सारे ब्रांड लॉन्च कर दिए, और इसी के बीच में ना भाई बनेली ला सकता है कोई और कंपनीज भी। तो उसी चीज़ों को देख के डेमोन की जो ये बाइक है अपनी, लाइक GPS की जो बाइक है, ये बाइक भी अब इंडियन मार्केट में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी, क्योंकि आपको पता है आजकल चाइनीज़ कंपनीज तो भाई मतलब ऐसे आ रही है, मतलब बस क्या ही बताएं उसके बारे में। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो इस बाइक के लिए, लेकिन जब बाइक का कोई अता पता ना हो, ठीक है, इंडिया में कोई शोरूम ना हो, कोई कंपनी ऐसी ना हो कि जो इनको लॉन्च लाइक एंटर करवा पाए इंडिया में, तो फिर क्या सीन हो जाता है ना कि उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो वो सीन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जोंटेस वगैरह ये सब आई, आपको पता था कि इंडियन मार्केट में ये लाइक ऐसी ऐसी बाइक्स आएंगी, ऐसे ऐसे खतरनाक लुक्स वाली बाइक की भाई, जिनको देख के मतलब बंदा सोचेगा कि मैं लाइक 2050 की इंडियन मार्केट में आ गया, तो वैसा लगता है। लाइक मैंने जब जोंटेस चलाई ना, तो भाई मतलब वो सारी चीज़ें अपने को फील होती है कि यार इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी इंडिया में आ चुकी है, लेकिन फिर भी इंडिया में ना लोग उन चीज़ों को मतलब भाव नहीं देते भाई। तो वो अपनी सबसे बड़ी गलती है कि अपन जो है ना किसी चीज़ को ट्राई किए बिना उसकी कमियां निकालने लग जाते हैं। कमी हर चीज़ में होती है, देखो चाइनीज़ हो, इंडियन हो, जापानीज़ हो, जो भी है भाई कमी तो होगी, चाहे वो बाइक हो चाहे कुछ भी हो, परफेक्ट कोई चीज़ नहीं है, आज तक परफेक्ट कुछ चीज़ बनी नहीं है। तो ऐसे में ना गाइस क्या होता है कि अपन उसको फिर लाइक सोचते हैं कि यार छोड़ो ना क्या ख़रीदेंगे फालतू में, दिक्कत ना हो जाए कल को सर्विस मेरी ये सब। तो सबसे पहले होता है भाई, यदि आपको बाइक पसंद है ना, तो उसके आगे फिर ये मतलब कि सर्विस में कभी प्रॉब्लम आई या है वो आए, उठाओ और भाई मतलब ख़रीद लो, ठीक है, आपको मज़ा लेना उसको चलाने का, ये नहीं है कि भाई बाद में आपको रीसेल की सोचनी ये वो। यार आप मज़ा तो लो किसी चीज़ का, आपने मज़ा ले लिया मतलब भाई आगे भी कोई बंदा मज़ा लेने के लिए वेट कर रहा होगा ना उस बाइक का। तो उस वजह से जोंटेस वगैरह जो है ना लाइक हो सकता है कि भाई चल जाए इंडियन मार्केट में, क्योंकि लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इन सब चीज़ों के लिए। तो अब जो है ना जोंटेस के बाद इंडियन मार्केट में आने वाली GPS की डेमोन, GPX डेमोन GR 200R, ये जो बाइक है ना मतलब भाई ऐसी खतरनाक दिखती है, मतलब देख के लगता है कि भाई ये बाइक है या क्या है, मतलब ऐसा लगता है इसका जो लुक्स है ना भाई वो इतना अपडेट कर दिया कि आने वाले मतलब 10 से 20 साल में भी इसको अपडेट ना किया जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अपनी R15 वगैरह है। तो आपको बता दूं ये जो बाइक है ना इंडियन मार्केट में अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगी आने में, क्योंकि भाई जब बनेली ऐसी ऐसी कंपनीज को एंटर करा रहा है, तो बाकी देखो कितनी सारी कंपनीज है इंडियन मार्केट में, बहुत सारी है, बाहर की भी है इंडिया की भी है। इंडिया की तो चलो एक दो है, हीरो होगी अपनी, TVS बजाज, लेकिन बाहर की कितनी कंपनीज है भाई, यामा भी है, सुजुकी भी है, ठीक है, और भी कई कंपनीज है जो कि बैठी है। तो भाई जब उनकी सेल्स नहीं होगी तो वो भी नए नए ब्रांड्स लॉन्च करेगी। ये GPX जो है ना ये कोई मतलब इतना बड़ा ब्रांड नहीं है कि भाई इसको एंटर कराने में उनको ये वो। तो GPX की जो बाइक है वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में बनेली जो है आपको देख लाइक एंटर करा दे इसको, तो इस साल तो नहीं, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर आपको GPX की डेमोन GR 200R इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगी। आपको पता है बांग्लादेश वगैरह हो गए, ठीक है, थाईलैंड वगैरह हो गए, वहाँ पे क्या हब होते हैं, मतलब मोटो हब, लाइक एक ही शोरूम रहेंगे वहाँ पे सारी बाइक्स आपको देखने को मिलती है, और लोग जो है ना फिर वहाँ पे लाइक उनको अलग अलग जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं है, वो एक जगह जाएंगे वहीं पे देखेंगे सारी कंपनीज की बाइक पाएगी, यामा की भी, सुजुकी की भी, ठीक है, जो मतलब उनको चाहिए वो सारी बाइक्स वहाँ पे होती है। अब जो पसंद आए वो ले ली, ये थोड़ी ना कि यार सुजुकी में गए फिर उसके बाद यामा में जा रहे हैं फिर बजाज में फिर वो, तो वो सीन फिर जो है ना यार बेकार हो जाता थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अब जो है ना इंडियन मार्केट में भी ज़बरदस्त लाइक जो है कंपनीज आने वाली है, लेकिन हो सकता है कि कोई फ्लॉप हो जाए, कोई चल जाए, तो ये सब चीज़ें तो यार देखो होती आई है और होती रहेगी। लेकिन अब जो लोग भाई डेमोन के लिए वेट कर रहे थे, तो वो जो है अब दोबारा से उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि अब जो है ना टू व्हीलर मार्केट और ज़्यादा ग्रो करने वाली इंडियन मार्केट में, क्योंकि आपने देखा मतलब लास्ट ईयर से भी ज़्यादा इस ईयर जो है बाइक्स वगैरह लॉन्च हुई है। लास्ट ईयर तो यार R15 ने धमाल किया था इस टाइम पे, और ज़बरदस्त धमाल किया था भाई, मतलब उस टाइम पे ना R15 की इतनी ज़बरदस्त सेल हुई थी, आज भी है उसकी। बट अब जो आने वाला है ना वो लाइक डिफरेंट कंपनीज आएंगी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे, और फिर जो है लाइक
एक अलग ही कंपटीशन क्रिएट होने वाला है। तो आप लोग इसके लिए वेट कर सकते हो, 2023 में आपको देखने को मिल जाएगी, 2022 में आपको शायद देखने को ना मिले, बट हाँ कुछ परसेंट चांसेस है कि आ भी सकती है, लाइक बनेली जो है, जैसे कि आपने देखा जॉन्टिस वगैरह भी लेके आया अभी, तो हो सकता है कि आ जाए ये भी इंडियन मार्केट में। बट ये मत सोचना कि बनेली लेके आएगा, कोई भी कंपनी लेके आ सकती है इन कंपनीज को। तो ये था यार आज की वीडियो में, डेमोन GR 200R के बारे में ऑलरेडी आपको पता है क्या नहीं है, फीचर्स अगर आपको पता है, इंजन पावरफुल है, LED हेडलैम्प सेटअप है, लुक्स काफ़ी खतरनाक है, ड्यूअल चैनल ABS है, और उसमें जो है ढेर सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको भाई इंडियन मार्केट में किन ही बाइक में मिलता है, मतलब कोई ही गिनी चुनी बाइक है जिनमें कि आपको मिल जाते हो फीचर्स, लेकिन वो टॉप की बाइक है यार GR 200R, मतलब देख लोगे ना तो भाई आपका दिल आ जाएगा उस पर, वैसे आप देख रहे हो वीडियो में। तो बताओ मेरे को कौन कौन इस बाइक के लिए मतलब है एक्साइटेड कि यार ये बाइक आए और हम परचेज करें, और प्राइस जो इसकी लगभग 2 लाख 2.25 लाख तक जाएगी ऑन रोड, तो आप लोग इतना ही एक्सपेक्ट करना, इससे कम मत करना, क्योंकि बाहर की कंपनीज जो है ना और थोड़ी महंगी होती है। तो चलिए इसी तरह कुछ आज की वीडियो में कोई भी आपके डाउट्स हो तो अभी कमेंट करो, बाकी वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो लाइक के रखता हूँ ओनली 1000 लाइक्स, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।